इस वक्त इलाका है वो गूंज रहा है। ये तस्वीरें अद्भुत हैं, अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को दर्शाती हैं। आप देख सकते हैं, अगर पीछे आप की दृश्य जाती हो तो देखिए घरों की छतों पर दूर कितने बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दर्शाता है। और पिछले कुछ समय में, कुछ वर्षों में हमने इस तरह के प्रधानमंत्री का जो रोड के किनारे खड़े होकर इस्तकबाल करने का जो एक अंदाज है लोगों का, वो देखा है। और आज गुवाहाटी में भी हम इसको देख पा रहे हैं, हाथ हिलाकर अपने प्रिय नेता का स्वागत करते हुए गुवाहाटी के लोग। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं को देख सकते हैं आप, महिलाओं को देख सकते हैं और बच्चों को भी देख सकते हैं। एक बड़ा वर्ग है जो सड़क के किनारे दूसरे साइड में प्रधानमंत्री के वाहन के साथ साथ वो दौड़ रहा है। चेहरों पर प्रसन्नता, उत्साह, खुशी, उत्साह का अतिरेक देखा जा सकता है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच पहुंचे हैं। बेहद प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं, उत्साहित हैं गुवाहाटी के लोग। अपने बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकर अभिवादन कर रहे हैं हाथ हिलाकर। निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये दर्शाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आज भी सर चढ़कर बोल रही है, किस तरह से लोग उनके अपने लोगों ने उनको अपने सर आंखों पर बिठाया हुआ है। ये भीड़ जो है, ये लोगों का जो हुजूम है, ये स्वतः स्फूर्त है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए तमाम संख्या में, बड़ी संख्या में लोग हैं हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। और प्रधानमंत्री भी उतनी ही सदाशयता से, उतने ही प्रेम भाव से गाड़ी से बाहर, एक तरह से कहा जाए कि दरवाजे पर खड़े होकर के वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो ये जो प्रेम और उत्साह का भाव है, ये दरअसल देखा जाए तो दोनों तरफ से है। जितना उत्साह प्रधानमंत्री के प्रति आम लोग दिखा रहे हैं, उतना ही उत्साह प्रधानमंत्री भी दिखा रहे हैं, उतना ही प्रेम वो भी प्रदर्शित कर रहे हैं आम लोगों के प्रति। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह से देखते हैं गुवाहाटी में जिस तरह से आम लोग निकल आए हैं सड़कों पर, आज बिहू का दिन है, आज उत्सव का दिन है और इस उत्सव में भी उसको और विशेष बना रहे हैं प्रधानमंत्री का आगमन, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है असम की जनता के लिए। आज का दिन हम जानते हैं कि बिहू महोत्सव है और ऐसे में निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं वो ये दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सड़क के तरफ। आप देखें कि उत्साहित जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही है। हम जानते हैं कि तोहफा मिला है, एम्स का तोहफा मिला है। निश्चित तौर पर जिस तरह से मेडिकल सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है उत्तर पूर्व में और खासतौर पर असम में, वो अपने आप में देखें तो ये दिखाता है कि किस तरह से उत्तर पूर्व में तमाम विकास परियोजनाओं पर मोदी सरकार आगे बढ़ी है। और चाहे वो संपर्क बेहतर करना हो या फिर हेल्थ सेक्टर में बुनियादी ढांचा को बेहतर करने की बात हो, नए नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि उत्तर पूर्व आज विकास के नए नए प्रतिमान गढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से जनता का प्यार मिल रहा है, आप देखें सड़क किनारे किस तरह से जनता उत्साहित है, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है असम की जनता के लिए, उत्तर पूर्व की जनता के लिए। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर जनता का स्वागत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बताती हैं कि जब कोई जन नेता, जब देश का सबसे
लोकप्रिय नेता, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, देश का प्रधानमंत्री जनता के बीच पहुंचता है तो किस तरह से जनता अभिवादन करती है, किस तरह से स्वागत करती है, किस तरह से उत्साहित होती है, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, मौका है, एक ऐतिहासिक दिन इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि एम्स का तोहफा मिला है उत्तर पूर्व की जनता को। और निश्चित तौर पर जिस तरह से आधारभूत सुविधाएं में बढ़ोतरी हो रही है, न केवल असम में, गुवाहाटी में, बल्कि हम देख रहे हैं कि उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों में, जिसे अष्टलक्ष्मी के नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं, हर राज्य में, चाहे वो संपर्क बेहतर करने की बात हो, नए हवाई अड्डे खोलने की बात हो, या फिर उत्तर पूर्व की जो संस्कृति है उसको जिस तरह से आगे बढ़ाया गया है, उत्तर पूर्व के जो गांव है वहाँ के उत्पाद देश और दुनिया में ज्यादा से ज्यादा पहचाने जाए, वहाँ पर जो नागरिक रहते हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनके आर्थिक स्वावलंबन की तरफ, उनके आर्थिक विकास की तरफ काम किया जाए, कनेक्टिविटी बेहतर की जाए, उसमें जो बीते 8 वर्षों में बहुत तेजी से काम हुआ है वो अब साफ दिखाई देता है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि नियमित तौर पर केंद्र सरकार का कोई ना कोई मंत्री लगातार उत्तर पूर्व के दौरे पर रहता है। और उसका एक फर्क भी दिखता है कि जब हम देख रहे हैं कि विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं में बहुत तेजी देखने को मिली है उत्तर पूर्व में, और आज इन तस्वीरों के जरिए जनता का प्यार भी यही प्रदर्शित करता है कि किस तरह से उत्तर पूर्व में अब शांति आई है। वो उत्तर पूर्व जो 9 साल पहले वहाँ पर अशांति के लिए जाना जाता था, कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं होती थी, आज उत्तर पूर्व में शांति आई है, उत्तर पूर्व में विकास के नए रास्ते खुले हैं, उत्तर पूर्व में हम जानते हैं कि आधारभूत संरचनाओं पर बहुत तेजी से काम हुआ है, उत्तर पूर्व के जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको समर्थन देने का, उनको आगे बढ़ाने का बहुत काम किया गया है, और उत्तर पूर्व की जो संस्कृति है, जो कला है, उसे किस तरह से आगे बढ़ाया गया है पिछले 8-9 वर्षों में, वो साफ तौर पर दिखाई देती है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब आज हम देख रहे हैं इस रोड शो के दौरान किस तरह से जनता का प्यार मिलता हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं जनता का अभिवादन स्वीकार करने में, तो ये तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री जब उत्तर पूर्व जाते हैं तो किस तरह से जनता का प्यार उन्हें मिलता है। और जनता भी इस बात को बखूबी समझती है कि आज उत्तर पूर्व की छत बदली है, न केवल देश में बल्कि दुनिया में उत्तर पूर्व पर्यटन के बड़े केंद्र के तौर पर उभर रहा है, उत्तर पूर्व के उत्पाद लोकप्रिय हो रहे हैं, और जो आम नागरिक के जीवन में जो आधारभूत बदलाव आ रहा है, जो सुविधाएं आ रही है, नागरिकों को अब दूर बहुत नहीं जाना होता इलाज के लिए, दिल्ली का रुख नहीं करना होता, तो निश्चित तौर पर एक सहूलियत आई है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, और इन तस्वीरों में वो एक तरह से बयां भी होता है, तस्वीरें उस पर इशारा भी करती है। निखिल जी, निश्चित तौर पर थोड़ा सा संवेद स्वर ये जो हमारे दर्शक सुन पा रहे हैं, कुछ देर के लिए उनको छोड़ेंगे कि ये सुने और महसूस करें जो उत्साह है लोगों का। तो ये जो हाथ हिलाते हुए लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए हैं लोग, और महिलाओं की बड़ी संख्या देखी जा सकती है, महिलाओं का अपना दल है, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, और गाड़ी के साथ आगे चलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, वो भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, वो पैदल साथ चल रहे हैं प्रधानमंत्री के, और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए ये देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग आतुर हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कहीं कि ये जो दृश्य है वो कहीं उसको मिस ना कर दें। ये जो जैसे शैलेंद्र आपने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जो हैं प्रधानमंत्री, जो उनकी लोकप्रियता है जो सर चढ़कर बोल रही, वो साफ देखी जा सकती है, हर एक व्यक्ति हाथ हिला रहा है क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री को के साथ अपना जो कनेक्ट है वो जोड़ रहा है। कुछ लोग तस्वीरें लेने में जुटे हुए हैं, कुछ लोग इस क्षण को कैद कर लेना चाहते हैं, और कुछ लोग इसको अपने मन की स्मृतियों में अंकित कर लेना चाहते हैं, इस क्षण को बेहद महत्वपूर्ण है। और शैलेंद्र, हो भी क्यों ना आज का दिन महत्वपूर्ण, क्योंकि आज बड़ी सौगात मिली है नॉर्थ ईस्ट को, जिस तरह से आपने पिछले 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट का खाका खींचा,
आज भी उसमें एक और बड़ा दिन है नॉर्थ ईस्ट के लिए। निश्चित तौर पर निखिल, 1500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का तोहफा मिला और खास तौर पर आज का दिन उत्तर पूर्व और असम के लिए मेडिकल सुविधाओं से के लिए जाना जाएगा। एम्स का तोहफा मिला और इसके साथ ही साथ 3 नए मेडिकल कॉलेज। सुनिश्चित तौर पर किस तरह से उत्तर पूर्व में स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ रही है वो हम पिछले कई वर्षों में देख रहे हैं और उत्तर पूर्व के लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े, दिल्ली ना आना पड़े, वो उस दिशा में मोदी सरकार ने बीते कई वर्षों में काम किया है। और न केवल स्वास्थ्य की सुविधाओं के मामले में बल्कि हम देख रहे हैं कि आधारभूत संरचना को बेहतर करने में भी उत्तर पूर्व में बहुत काम हुआ है। खास बात यह है कि जब भी प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि उत्तर पूर्व बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें हमने देखा है कि ये एक निर्देश भी दिया गया कि लगातार जो अलग अलग मंत्रालय के अधिकारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो उत्तर पूर्व का नियमित तौर पर दौरा करें और उसका एक असर हम देखते हैं कि विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग कितनी बेहतर तरीके से हो पा रही है और उत्तर पूर्व आज कई योजनाओं को सफलतापूर्वक जमीनी स्तर पर लागू करने में उदाहरण के तौर पर सामने आया है। और हम जानते हैं कि उत्तर पूर्व की अपनी एक भौगोलिक चुनौतियां रही हैं, उत्तर पूर्व की पूर्व की समस्याएं रही हैं, उसको जिस तरह से हल करने का काम किया गया है, जिस तरह से शांति लाने का काम किया गया है, चूंकि ये कहा जाता है कि शांति के बिना विकास संभव नहीं है, तो उत्तर पूर्व में शांति स्थापित कर विकास के पहिए को तेज करने का काम जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुआ है वो अपने आप में अभूतपूर्व है और वो दिखाई भी देता है इन तस्वीरों में। जब हम कहते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जब जनता से मिलते हैं, जो उनका संवाद कौशल है वो हम सब जानते हैं और यही वजह है कि हर कोई उस तस्वीरों को, उन लम्हों को अपने मोबाइल कैमरे के जरिए कैद कर लेना चाहता है। एक और सी लगी होती है, खासतौर में हमने देखा है कि युवाओं में और महिलाओं में, क्योंकि तमाम ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिससे जो आधी आबादी है हमारी, जो महिलाएं हैं, उनका जीवन बदला है, चाहे वो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का मामला हो या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर तमाम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, उसमें मोदी सरकार की योजनाओं ने एक बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन देश में और खासतौर पर उत्तर पूर्व में भी किया है। तो निश्चित तौर पर उसका एक असर दिखाई देता है, वो एक प्यार के तौर पर परिलक्षित होता है जब इस तरह का रोड शो होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखना चाहते हैं लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, उनका अभिवादन करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री भी सहर्स अभिवादन स्वीकार करते हैं। और हमने देखा है कि ये तस्वीरें बताती हैं, ये बयां करती हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता किस तरह से अपने जनता से, किस तरह से लोगों से मुखातिब होते हैं और उत्तर पूर्व के विकास की कहानी भी ये बताती है कि उत्तर पूर्व आज विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहा है, स्वास्थ्य के मामले में, आधारभूत संरचना के मामले में, संपर्क के मामले में या फिर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के मामले में। जी निश्चित तौर पर उत्साहित, उद्वेलित, प्रसन्नचित ये लोग। और शैलेंद्र, ये तस्वीरें अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि जितने लोग खड़े हैं, लगभग हर व्यक्ति जो है वो हाथ हिलाता हुआ प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करता हुआ, उनका स्वागत करता हुआ, हर व्यक्ति अपने आप को कनेक्ट कर रहा है उनसे। और यही वजह है कि जो भी व्यक्ति है उसको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मेरी ओर देख रहे हैं, मैं उनका अभिवादन स्वीकार करूं और मैं उनसे अभिवादन करूं। और यही वजह है कुछ दल जो है वो आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं कि ख़ास जो है आज बिहू का फंक्शन है, बिहू का त्यौहार है और ऐसे में ढोल नगाड़ों बाजे गाजे ताशे के साथ में मौजूद है जो सांस्कृतिक वेशभूषा है असम की और नॉर्थ ईस्ट की, वो भी धारण किए हुए हैं लोग। और जो प्रधानमंत्री का स्वागत है वो उसी सांस्कृतिक अंदाज में किया जा रहा है। आज बिहू का ये मौका है, बेहद महत्वपूर्ण है और महिलाएं आप देख सकते हैं कि बेहद प्रसन्नता के साथ, खुशी जो है वो देखते ही बनती है लोगों की। हाथ में मोबाइल कैमरे से ये तस्वीरें लोग लेना चाहते हैं, इस क्षण को जीना चाहते हैं और इसकी जो तस्वीरें हैं वो अपने पास जीवन भर के लिए रखना चाहेंगे लोग, प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाए हुए हैं। तो मोदी मोदी के नारे से, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे से गुंजायमान है गुवाहाटी का ये इलाका और आज उत्सव को एक महोत्सव के रूप में परिवर्तित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ऐसे में निश्चित तौर पर एक बड़ा जो लोगों को भावनाओं का जो ज्वार है वो समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है।
शैलेंद्र, अगर जब नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की बात आप कर रहे थे, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जो है एक ऐसा जिसको कहना चाहिए कि एक ऐसा इशू था जो शायद इसके पहले की सरकारों ने एक चाहे नीतिगत तरीके से, चाहे अकर्मण्यता की वजह से, चाहे सोच की वजह से, लेकिन वो जो है वहाँ तक उनकी सोच नहीं पहुँची थी। अब जो ये सरकारें हैं उनके इस सोच को के इतर अब जो ये मोदी सरकार है वो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट पे बड़ा फोकस किया है, किस तरह से देखते हैं कि ये एक बड़ा नीतिगत जो परिवर्तन है ये बेहद महत्वपूर्ण भी है और बड़ा बदलाव भी ला रहा है? देखिए निखिल, निश्चित तौर पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में की गई है और हम जानते हैं कि बजट में इसके लिए प्रावधान भी किया गया है। और सबसे पहले जो उत्तर पूर्व के राज्य है उससे जुड़े जो सीमावर्ती शैलेंद्र, मैं आपको 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 कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगा। शैलेंद्र, ये जो लोगों की आवाज है, ये जो संवेद स्वर है, इसको सुन लेते हैं पहले, इस उत्साह को महसूस कर लेते हैं। शैलेंद्र, हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ में विशेष मेहमान वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि जी भी जुड़े हुए हैं, दैनिक पूर्वोदय के संपादक हैं, उनके पास उसी प्रश्न के साथ जाते हैं। रविशंकर रवि जी, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट की बात हुई है, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से देखते हैं इसको? रविशंकर रवि जी से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे उनके साथ। रविशंकर रवि जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आपसे जी, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसकी बात कर रहे थे, किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में और ख़ास तौर पर जब बॉर्डर एरिया के डेवलपमेंट की बात होती है, अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा हो रही थी, आपने कहा कि किबिथू के बारे में जिक्र किया था जब अमित शाह ने, उनका ये आखिरी नहीं बल्कि पहला गाँव है, किस तरह से ये जो सोच में परिवर्तन आया है, ये जो पूरा परिवर्तन है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात हो चाहे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट की बात हो, कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आया है, आगे भी ये जारी रहेगा? रविशंकर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? ये तस्वीरें अपने आप में अभूतपूर्व है, बड़ी संख्या में सड़क के दोनों तरफ गुवाहाटी शहर की ये तस्वीरें हैं और आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविशंकर रवि जी से हम कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर में। शैलेंद्र, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, वही सवाल आपके लिए कि जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट है, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा? निश्चित तौर पर निखिल, हम जानते हैं कि बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए आवंटित किया गया है और सबसे पहले इसकी शुरुआत उत्तर पूर्व के
राज्यों के सीमावर्ती गांवों से हुई है। इसका उद्देश्य यह है कि उन गांवों में आधारभूत ढांचे को बेहतर किया जाए, जिस तरह से देश भर में शहरों में जो तमाम सुविधाएं हैं उसे उन गांवों में विकसित किया जाए, और साथ ही साथ उन गांवों के जो स्थानीय उत्पाद है उनको बढ़ावा देने के लिए काम किया जाए और संपर्क मार्ग भी बेहतर किया जाए, यानी उन गांवों में रहने वाले लोगों को के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस प्रोग्राम पर काम आगे बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया गया है कि कई केंद्रीय मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो नियमित तौर पर इन गांवों का दौरा करें, अधिकारी दौरा करें, और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से छात्रों के दौरे भी लगाए जा रहे हैं, जिससे कि उन गांवों के बारे में समझने में ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाए और वहां के लोग बाकी जगहों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाए, क्योंकि मोदी सरकार ये मानती है कि इन गांवों में रहने वाले लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उनका जीवन स्तर बेहतर होना चाहिए, और जिस तरह से हमारे सेना के जवान हैं वो एक सुरक्षा का काम करते हैं, उस तरह से इन गांवों में रहने वाले लोग भी एक तरह से देखें तो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो निश्चित तौर पर उन गांवों का बेहतर विकास हो, उन गांवों के लोगों को आजीविका के बेहतर से बेहतर साधन मिले, उनका जीवन स्तर बेहतर हो, उस दिशा में व्यापक स्तर पर इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। और उसके लिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व के तमाम जो राज्य हैं उन सीमावर्ती गांवों का चयन किया गया, और उसके लिए इस बार के बजट में धन आवंटन भी किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व योजना है, जिससे सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार आएगा, उस गांवों के में पर्यटन बढ़ेगा, वहां लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे वहां पर रहने वाले लोगों के लिए अवसर बढ़ेंगे। और ये अपने आप में देखें, मोदी सरकार लगातार इस बात पर काम करती रही है कि पहले संपर्क मार्गों को बेहतर किया जाए सीमावर्ती इलाकों में, जिससे आवाजाही बेहतर हो सके और उन गाँव के लोगों को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा बेहतर अवसर दिए जाए जो शहरों के लोगों को उपलब्ध है। तो निश्चित तौर पर उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है और हम उसका असर आगे आने वाले वर्षों में देखेंगे कि कितना बेहतर विकास और कितनी तमाम केंद्रीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन इन गाँव में देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर उससे एक उत्साह दिखा है, उससे एक नजरिया भी बदला है इन गाँवों को लेकर, इन गाँवों में विकास की सोच को लेकर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जिसकी शुरुआत की गई है। जी, अगर इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, इसके पहले जब हम बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट की बात करते थे या सड़कों के निर्माण की बात करते थे, तो जो इसके पहले की सरकारें थी उन्होंने बहुत विशेष ध्यान इस पर नहीं दिया था, चाहे वो नीतिगत निर्णय था, उनका अकर्मण्यता थी या वहाँ तक कि उनका विजन नहीं था, लेकिन ये जो सरकार है उसने बिल्कुल जो बॉर्डर के आखिरी गांव हैं या जो आखिरी छोर हैं वहाँ तक भी मोटरेबल रोड्स बनाई हैं, और ख़ासतौर पर पूरे नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो जो एक्सप्रेसवेज और हाईवेज का जो जाल है उसका भी विस्तार किया है। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि इन गांवों में जितना विकास होना चाहिए था, अगर आप आज से 10 वर्ष पहले की बात करें, उतना विकास नहीं हो पाया था, कई भौगोलिक चुनौतियां थी, इसके साथ ही साथ यहां पर एक तरह से देखें विशेष फोकस की जरूरत थी, क्योंकि इनकी भौगोलिक चुनौतियों की वजह से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा, लेकिन अब उस जरूरत को समझा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि उन गाँवों में बड़े अधिकारियों का दौरा लग रहा है, इसके साथ ही साथ कुछ इस तरह के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं जिससे कि देश भर के अलग अलग राज्यों के छात्रों का दौरा इन गांवों में लगे, जिससे आवाजाही बढ़े, पर्यटन के साधन बढ़े, संपर्क मार्ग बेहतर हो, और तमाम केंद्रीय और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन इन गाँवों में हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। साथ ही साथ अगर किसी गांव की कोई गांव में चुकी भौगोलिक चुनौतियां हैं तो ऐसे में अधिक धन आवंटन की भी जरूरत है, इस बात को मोदी सरकार बखूबी समझती है, और यही वजह है कि इन गांवों के विकास के लिए अलग से एक फंड की शुरुआत की गई है जिससे इन गाँवों का चौमुखी विकास हो सकेगा। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जो विकास हो सकता था इन गाँव में उसकी कहीं ना कहीं अनदेखी 10 वर्ष पहले या पुरानी सरकारों के समय हुई है, अब उस पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये गांव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस इन गांवों के लोगों को भी वो बेहतर सुविधा मिले जो राज्य की राजधानी में बैठे नागरिकों को प्राप्त होती है, ये सुनिश्चित करना सरकारों की जिम्मेदारी है, और अपनी इस जिम्मेदारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार और उत्तर पूर्व की सरकारें बखूबी समझ रही है। जी, निश्चित तौर पर आज की बात करें, अगर आज का दिन जैसा कि आपने भी कहा बेहद महत्वपूर्ण है असम के लोगों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, गुवाहाटी के लिए तो बेहद विशेष है क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं वहां मौजूद हैं। जब स्वास्थ्य सुविधाओं के की बात करते हैं, एक एम्स, 3 नए मेडिकल कॉलेजेस, कितनी बड़ी सौगात
ये है और कितना बड़ा परिवर्तन स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर आएगा, क्योंकि अब लोग ये भी कहने लगे, अभी थोड़ी देर पहले एक वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि जी के साथ हम जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि ये मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। देखिए उत्तर पूर्व के लोगों को ये दर्द होता था बीते दशकों में कि जो सुविधाएं दिल्ली या फिर राज्य की राजधानियों में है, दूसरे राज्यों में वो स्वास्थ्य की सुविधाएं उत्तर पूर्व के राज्यों में उपलब्ध नहीं है। उनको ये पीड़ा होती थी कि कई बार गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उन्हें दिल्ली आना पड़ता था या दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था। उस पीड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में समझा गया है और यही वजह कि हम देख रहे हैं कि एम्स की स्थापना की तरफ आगे बढ़ा गया। तीन नए मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य में सुधार की तरफ एक बहुत बड़ा काम और व्यापक काम हमने देखा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की तरफ उत्तर पूर्व में हुआ है और देश भर में जो एक तरह से देखें नए नए मेडिकल कॉलेज खोलने की शुरुआत बीते 8 वर्ष पहले शुरू हुई थी, आज हम उसके नतीजे देख रहे हैं। जब मेडिकल कॉलेज की संख्या बीते 8 वर्षों में काफी बड़ी है पहले के मुकाबले, MBBS की सीटें बढ़ी है, परास्नातक की सीटें बढ़ी है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई है, स्थानीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई है और उत्तर पूर्व में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उत्तर पूर्व के लोगों को, जिले में रहने वाले लोगों को दूर दराज ट्रेवल न करना पड़े स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। तो निश्चित तौर पर उस दिशा में बहुत काम हुआ है और उत्तर पूर्व की जो दो सबसे बड़ी चुनौतियां थी स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा, लेकिन वो पहली चुनौती थी उत्तर पूर्व में शांति स्थापित करना, वहां पर शांति स्थापना से विकास तेज हो ये सुनिश्चित करना। उस पर मोदी सरकार ने जो पहल की उससे सफलता मिली। आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन पूरे उत्तर पूर्व में शांति की स्थापना हुई है। हम जानते हैं कि जो स्थानीय स्तर पर कुछ मांगे थी उनको भी माना गया है और आज हम देख रहे हैं कि तमाम विकास परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। दूसरी बात यह है कि अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी की एक बहुत चुनौती थी। उत्तर पूर्व में एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचना वो बहुत कठिन था। सड़क मार्ग के जरिए वो सड़कें बेहतर की गई हैं, संपर्क मार्ग बेहतर किया गया है। आज उत्तर पूर्व में पहले के मुकाबले कई ज्यादा हवाई अड्डे हैं, यानी आप के पास यातायात के साधन बढ़े हैं, रेलवे संपर्क बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर जो आवागमन के साधन है, रेल संपर्क हो, सड़क संपर्क हो या फिर वायु संपर्क हो, उनको बेहतर करने का काम किया गया और इसका असर यह हुआ है कि उत्तर पूर्व में निवेश आ रहा है, उत्तर पूर्व में बड़े उद्योग लग रहे हैं, उत्तर पूर्व में स्टार्टअप लग रहा है। और हम तो जानते हैं कि अगर आप हर्बल खेती की बात करें, प्राकृतिक खेती की बात करें, तो उत्तर पूर्व के का एक राज्य पूरी तरह से हर्बल खेती के लिए जाना जाता है। उत्तर पूर्व में बाकी राज्यों में भी उस तरफ बहुत पहल हुई है। निश्चित तौर पर उत्तर पूर्व आप अपने विचारों को अपने पास रखिएगा, आप याद रखिएगा जो आप बात कह रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अपने आप में बहुत सारी चीजें इसलिए भी बयां करती हैं। देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसको कहते हैं कि ये जो धार्मिक जो सीमाएं हैं उसके इतर हर वर्ग हर जाति धर्म के लोग यहाँ जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। ये तस्वीरें आप देख करके भी समझ सकते हैं और निश्चित तौर पर ये अपने आप में अभूतपूर्व है इस लिहाज से भी कि हर जाति धर्म के इससे जुड़े हुए लोग, हर जिसको कहना चाहिए कि उम्र के और क्या स्त्री क्या पुरुष, बच्चे बूढ़े जवान, सभी लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। शैलेंद्र आप बता रहे थे कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के विशेष संदर्भ में आप अपनी बात पूरी करिएगा, साथ ही साथ बताइएगा कि जिस तरह से जो राज्य में अफ्सपा कानून था उसको जिस तरह एक बार दोबारा रिविजिट किया गया और जहां केवल बहुत जरूरी है वहीं तक उसको सीमित रखा गया है, ये कितना महत्वपूर्ण रहा है। जी देखिए मोदी सरकार ने इस बात का वादा किया था कि इस पर इसकी समय समय पर समीक्षा होगी और जहां पर इस तरह से लगेगा कि वहां इसे हटाया जा सकता है वहां हटाने का काम किया जाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि उत्तर पूर्व का एक बड़ा हिस्सा एक बड़ा इलाका इससे मुक्त हो चुका है, जहां जहां पर शांति आई है, जहां जहां पर पहले हुई है तो निश्चित तौर पर उसके नतीजे आए हैं। वहां पर मोदी सरकार ने जो कहा था वो उस पर आगे बढ़िए और यही वजह है कि हाल ही के एक दौरे में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कहा भी था कि आज उत्तर पूर्व में आप देखिए कि किस तरह से शांति आई है और किस तरह से बहुत सारे क्षेत्र से ये आप तक हटा लिया गया है। निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि उत्तर पूर्व शांति की तरफ न केवल आगे बढ़ा है बल्कि उसमें काफी आगे निकल गया है और यही वजह है कि जब शांति स्थापित होती है तब निवेश आता है, स्टार्टअप आते हैं और हम देख रहे हैं कि एग्री एक्सपोर्ट के मामले में तमाम ऐसी
ऐसी कंपनियां उत्तर पूर्व में गई हैं जहां से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए तमाम उत्पादों के निर्यात पर काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर उत्तर पूर्व को लेकर बाकी देश के लोगों की दुनिया की सोच बदली है बीते 8 वर्षों में, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और निवेश के बड़े डेस्टिनेशन, निवेश के एक बड़े ठिकाने के तौर पर उत्तर पूर्व के राज्यों को देखा जा रहा है। और उत्तर पूर्व की सुंदरता तो हम सब जानते हैं, पर्यटन के मामले में जिस तरह से वहाँ तमाम ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं, तमाम ऐसी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं छुट्टियों में। निश्चित तौर पर उनको विकसित करने का काम किया जा रहा है, उनको बेहतर करने का काम किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पर्यटन उत्तर पूर्व में हो, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक उत्तर पूर्व के तरफ आकर्षित हो। उसके लिए तमाम सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है और उसका शैलेन बने रहे आप हमारे साथ। प्रधानमंत्री के काफिले के साथ में सड़क के दूसरी तरफ कुछ युवा ऐसे हैं जो लगातार दौड़ रहे हैं उनका साथ पाने के लिए, और लोग दोनों हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए लगातार प्रधानमंत्री जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री के साथ कनेक्ट करते हुए हर जाति धर्म के लोग इस भीड़ में शामिल हैं, इस लोगों का जो हुजूम है उसमें शामिल हैं। हमारे साथ में रविशंकर रवि जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार दैनिक पूर्वोदय से जुड़े हुए। रविशंकर जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी रविशंकर जी, आपसे इसके पहले भी जब जुड़े थे तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट की बात जानना चाह रहे थे, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है किस तरह से बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा नॉर्थ ईस्ट में, किस तरह से देखते हैं इस इन योजनाओं को और जो बॉर्डर एरिया का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से देखते हैं? जो सीमा है उसमें हमारे जो सुरक्षा कर्मी, हमारे जो जवान हैं वो तो अपनी सुरक्षा अपनी ड्यूटी पर तैनात, लेकिन अपने जो सीमावर्ती इलाके हैं उसके सबसे अच्छे और भरोसेमंद प्रहरी हैं हमारे सीमावर्ती गांव के लोग, जो वहां पर अस्थायी रूप से रहते हैं, भ्रमण करते हैं, इधर उधर अपने काम से जाते हैं, और वह उनकी नजर सबसे पहले पड़ती है अगर सीमा के पार से कोई गतिविधि, कोई घुसपैठ होती है। जी अब आपको भी पता होगा कि कारगिल में जब पाकिस्तानी घुसपैठ थी, जानकारी भेड़ चलाने वाले लोगों ने थी। जी तो इसके लिए जो सीमावर्ती गांव के लोग हैं और उनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको जुटाना जरूरी है, नहीं तो लोग सीमावर्ती इलाकों से जो सुविधा वाले इलाके हैं वहां पर पलायन कर रहे हैं, तो वह अपने गांव में तभी रुकेंगे जबकि उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए ये जो वाइब्रेंट विलेज जो योजना शुरू हुई है उसका असर एक तो ये पड़ेगा कि देश की सुरक्षा जो है वह ज्यादा चौबंद होगी, दूसरा जो दूर दराज के जो ग्रामीण लोग हैं जो उपेक्षित रहे हैं अभी तक, उन तक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, और यह कहीं ना कहीं अपने देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए भी यह महत्वपूर्ण कदम है। और हम लोग, मुझे मेरा तो यह मानना है कि जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं सबके साथ व्यवहार वही करना चाहिए जो हम लोग डिफेंस के लोगों के साथ करते हैं, उन्हें भी वह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो सीमावर्ती इलाकों में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे हमारी सीमा और ज्यादा चौकस होगी और हम अपने दूर दराज के लोगों तक जो जरूरी सुविधाएं हैं वह भी उपलब्ध करा पाएंगे। जी निश्चित तौर पर, ये तस्वीरें देख रहे हैं हमारे जो दर्शक, आप बने रहिए रवि जी हमारे साथ। ये देखिए किस तरह से
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी आयोजित किए गए यहाँ पर, और बड़ी संख्या में लोग नाचते हुए, नृत्य करते हुए, और जो सांस्कृतिक वेशभूषा है यहाँ की, जो उसको भी धारण किए हुए हैं। फिलहाल रवि जी, आपसे एक बात ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपसे जो चर्चा हो रही थी, आपने कहा कि इसके पहले तमाम सारी वजहें थीं जो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में इतनी रुकावटें थी, किस तरह से देखते हैं? आपने कहा करप्शन भी इसके पीछे की एक वजह थी, और अब जो है वो सिस्टम एक डेवलप किया गया है कि जो पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी है उस तक जो है योजनाओं का लाभ पहुँचे, और इन जब योजनाओं के लाभ पहुंचने की बात होती है तो इसमें कोई जाति धर्म का विभेद नहीं होता, क्या कहेंगे आप? रवि जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप हमारे साथ हैं? हेलो जी रवि जी, आपसे मैं जानना चाह रहा था कि जो योजनाएं लगातार केंद्र सरकार की जो पहुंच रही हैं उसमें जाति धर्म का कोई विभेद नहीं है, और शायद लोगों के साथ जो जुड़ाव है उसका यही कारण है कि पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। देखिए, वो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं या जो लोगों के साथ एक जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसके हाँ। साथ साथ एक चीज और मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि आज जिस ढंग से गुवाहाटी से प्रधानमंत्री ने एम्स, गुवाहाटी एम्स और तीन मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन कर दिया जी, देखिए हम कोरोना के बाद से ये पूरे देश ने महसूस किया था कि इस देश में 5 सितारा होटल, मॉल, ये सब तो चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी देश भर में अस्पतालों का विस्तार है, और उसके बाद जिस ढंग से जिला स्तर पर अस्पताल बन रहे हैं तो निश्चित रूप से लोगों को आपात स्थिति में, कोरोना के समय में क्या स्थिति हो गई थी, कितनी भयावह स्थिति हो गई थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, दूसरा चिकित्सकों का अभाव हो गया था, चिकित्सक कम पड़ गए थे जी। दूसरी बात यह है कि निजी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई इतनी महंगी है कि हर किसी के लिए वहां पर जाकर डॉक्टर बनना चाहिए, जब सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, अब जैसे असम में 3 मेडिकल कॉलेज खुले तो आज से असम में MBBS छात्रों के 300 सीटों की संख्या बढ़ गई जी, देश को 300 नए डॉक्टर हर साल मिलेंगे इन 3 मेडिकल कॉलेजों में, और एम्स में भी 100 छात्रों की होता है तो 400 डॉक्टर आपको हर साल तैयार हो रहे हैं जी। तो इस तरह की जो बुनियादी विकास, और इसका दूरगामी असर पड़ेगा, अभी ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए डॉक्टर नहीं मिलते हैं, राज्य सरकारें परेशान है कि अच्छे हॉस्पिटल होने के बावजूद वहाँ अच्छे डॉक्टर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है। तो ये जो हमारे जो नए MBBS के छात्र जब निकलेंगे डॉक्टर बनकर, और असम में अब लगभग 1300-1400 छात्र हर साल MBBS करके निकलेंगे, तो उसका असर पड़ेगा पूरे देश की सुविधागत ढांचा में जी। निश्चित तौर पर एक आपसे उस फील को, उस भाव को समझना चाहेंगे रविशंकर जी। गुवाहाटी की सड़कों पर जिस तरह से ये लोग उमड़े हैं, हुजूम उमड़ा है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि जाति धर्म का विभेद टूट गया है, स्त्री पुरुष का भी विभेद टूट गया है, बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा सड़कों के किनारे जुटे हुए हैं, और इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बंधु हैं वो भी इसमें बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। लोकप्रियता प्रधानमंत्री के चरम पर है ये दर्शाती है, और गुवाहाटी के लोग भी बेहद प्यार करते हैं अपने प्रधानमंत्री से। आपको यह बताऊं जी, आज के दिन पूर्वोत्तर के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। पूर्वोत्तर में कई बड़े नेता हैं, यहाँ पर राज्य में जी कई मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं, लेकिन आज भी पूर्वोत्तर के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनको पूर्वोत्तर के लोग अपना नेता मानते हैं, वह हैं श्री नरेंद्र मोदी। पूर्वोत्तर के लोग जब अपने अंग वस्त्र को, असमिया गमछा को मोदी जी के गले में देखते हैं तो उनका स्वाभिमान कितना ऊपर चला जाता है, यह आप समझिए। और यही नहीं, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के भी जो उत्पाद हैं, जो प्रतीक हैं, बोडो लोगों की अरुणाई है, जब वो अपने गले में या अपने माथे में लगाते हैं तो पूर्वोत्तर के लोगों को लगता है कि यह नेता उनका अपना नेता है। तो मोदी जी ने जिस तरह से पूर्वोत्तर के लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट किया है, आज ही देखिए कि सारे सारे धर्म और समुदाय के लोग वहां पर मौजूद हैं,
पूर्वोत्तर की यह विशेषता है कि महिलाएं यहाँ पुरुषों से कम नहीं है, चाहे वो राजनैतिक शो हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, पूर्वोत्तर में महिलाएं अपना वजूद रखती हैं, अपनी पहचान रखती हैं और वह आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मोदी जी के इस रोड शो में बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यह जो इलाका है, यह पूरा का पूरा जो सड़क अभी बन रही है, इस सड़क पर आज से ज्यादा नहीं 10 साल पहले तक बहुत सामान्य सी सड़क हुआ करती थी, आज ये गुवाहाटी बाईपास के नाम से इसको जाना जाता है, नेशनल हाईवे ही है। और जहां जहां पर रुकावटें थी पूरे इस सड़क पर फ्लाईओवरों का जाल बिछ रहा है जी। और 6 महीने के बाद ये सड़क और इतनी शानदार सड़क और इतनी चौड़ी हो जाएगी कि फाइटर प्लेन इस सड़क पर उतर सकती है। जिस सड़क से अभी मोदी जी गुजर रहे हैं वो अगले 6 महीने में देश की बेहतरीन सड़कों में से एक होने जा रही है। इसका अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि यह जो